सियाचिन के शूरवीर लांस नायक हनुमंत थप्पा की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। 9 फरवरी से अब तक उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा, मगर अच्छी बात यह है कि उनकी हर सांस के साथ पूरा देश जुड़ा है। हिंदुस्तान को अपने जाबाज पर नाज है और पूरा देश हनुमंत थप्पा के साथ है। जो वतन की खातिर जाबाजी से तूफान के सामने भी सांस लेता रहा, अब उसकी सलामती के लिए पूरा वतन दुआएं मांग रहा है। सियाचिन के बर्फीले तूफान से 6 दिन तक लड़ने वाले लांस नायक हनुमंत थप्पा की हालत अब भी बेहद नाजुक है। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। हिंदुस्तान का हर नागरिक जाबाज हनुमंत थप्पा के लिए दुआएं मांग रहा है। बिहार के बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं ने हनुमंत थप्पा की सलामती के लिए विशेष पूजा की, तो वहीं कर्नाटक के हुबली में लोगों ने मां भवानी की पूजा कर उनके बेहतर होने की कामना की। यूपी के मुरादाबाद में कलाकारों ने पेंटिंग्स बनाकर भगवान से हनुमंत थप्पा को जल्द ठीक करने की प्रार्थना की। लखनऊ में तो हनुमंत थप्पा को लेकर मजहबी तौर पर मिसाल कायम की गई, ईदगाह में उनके लिए दुआएं मांगी गईं। हरियाणा के फरीदाबाद में हनुमंत थप्पा के लिए मंदिर में लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो वहीं ओडिशा में रेत पर हनुमंत थप्पा की मूर्ति बनाकर उनकी बेहतरी के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। सियाचिन से लाए गए हनुमंत थप्पा की हर सांस देश के लिए बेहद कीमती है। हर हिंदुस्तानी उनके साथ है, लेकिन अस्पताल से अब तक कोई अच्छी खबर नहीं मिली है। हनुमंत थप्पा के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के सबूत मिले हैं। उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया का इन्फेक्शन है। हनुमंत थप्पा को हाई डोज एंटीबायोटिक और इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं। लीवर और किडनी में जबरदस्त इन्फेक्शन है। अगले 24 से 48 घंटे में आक्रामक तरीके से हनुमंत थप्पा का उपचार किया जा सकता है। सेना की मेडिकल टीम और एम्स के एक्सपर्ट्स का पैनल उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। इंटेंसिविस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट और सर्जनों की टीम इलाज कर रही है। नेवी के पूर्व नाविक एसएस राजू ने हनुमंत थप्पा को अपना कोई भी अंग देने की इच्छा जाहिर की है। यूपी के लखीमपुर की निधि पांडे ने अपनी किडनी दान करने की बात कही है। जिस हौसले के सहारे हनुमंत थप्पा 6 दिनों तक 35 फीट बर्फ के नीचे सांस लेते रहे, उसी हौसले की दुहाई देते हुए हम यही दुआ मांगते हैं कि ऊपर वाला उन्हें पहले की तरह बेहतर बना दे। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में बीती रात हंगामा करने वाले लड़के लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि भी हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी मर्सिडीज से एक बाइक सवार को टक्कर। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prithi and what's new? Well, we're in KL, Malaysia. It's a beautiful place where you find the tallest of the buildings, beautiful restaurants, clean roads and no cows. I wonder where.